Okay, this video is getting too much TMI, and I am getting a little bit uh, uncomfortable speaking about it on camera because this is my first time, but we'll do this so that it is helpful for all of you. Okay. okay. Hi, guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. I hope you all are doing fine and you've read by the title. That today we are going to talk about something we have never done before on this channel, and that is periods and mainly period cram. So, the main motive behind this video is to share my personal experiences during my periods and how I manage my periods so that helpful for you. And also, today I'm going to review some of the पीरियड हेल्पफुल प्रोडक्ट देर आर अवेलेबल इन द मार्केट जो की मैंने इस मंथ अपने पीरियड में यूज किए थे ताकि मैं आपको बता पाऊ इफ दे वर्क और नॉट नाउ विद ऑल दैट बींग से अगर आप जानना चाहते हो कि हाउ आई एम मैनेजिंग माई पीरियड्स दीज डेज एंड वॉट ऑल प्रोडक्ट आर एक्चुअली हेल्पफुल कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन हाई माई नेम मिस सोन मिश्रा आई पोज ब्यूरी एंड लाइफ स्टाइल कॉन्टेंट

And if you are one like me, you know how it feels. It is pathetic. It is the worst time of the month. Actually, it is the worst. Mainly, first day, there cramps, hote hai, and after the second day, uh, the cramps are very much relieved, but not on their own. Because uh, the first day, mein cramps hote the, bhi bear hote the. So, I consulted my gynecologist, and she gave me a पेन किलर एंड द नेम ऑफ़ द पेन किलर इज मेफ्ट एंड दैट इज़ द वन जो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही थी सो एवरी मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई पीरियड्स आई यूज टू टेक वन पेन किलर तो उससे मेरा दर्द ठीक हो जाता था एंड सेकेंड डे से फिर मुझे नहीं पता चलता था कोई भी दर्द या एंड सो दैट इज़ हाउ आई हैव बिन गोइंग अबाउट विद माई पीरियड सिंस द लास्ट सेवन एट ईयर्स जब से मुझे पीरियड हो रहे हैं तो यही मेरा प्रोसीजर रहा है बट uh, मैं बहुत बार ट्राई करती थी कि मैं पेन किलर ना लूँ बिकॉज ऑब्वियसली मेडिसिन आर नॉट दैट गुड फॉर योर हेल्थ तो मैं कोशिश करती थी कि टू स्टे अवे एज मच एज पॉसिबल बट इट वॉज नॉट पॉसिबल मोस्ट ऑफ द टाइम बट स्पॉयर एलर्ट दिस मंथ आई डिड नॉट टेक एनी पेन किलर एंड आई टेल यू वाई देर इज वन मैजिकल प्रोडक्ट दैट आई एम एब्सिल्यूटली इन लव विद सो नाउ वी विल बिगीन विद द प्रोडक्ट दैट आई हैव सो मोस्टली प्रोडक्ट सिरोना हाइजीन से ही है बिकॉज मुझे इनका पीरियड हेम्पर रिसीव हुआ था एंड uh, इसे मैंने लास्ट मंथ ट्राई किया था सो so दैट मैं सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स ना दिखाऊं एंड आई एक्चुअली हैव अ जेन्यन रिव्यू कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं तो आई हैव ऑलरेडी यूज्ड ऑल ऑफ दिस प्रोडक्ट्स एंड आई टेल यू विच वंस यू शुड बाय एंड विच वंस यू कैन स्किप ऑन सो जो सबसे पहला प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ था वो था ये सिरोना हाइजीन का पैड फ्री पीरियड्स मेंस्ट्रुअल कप तो ये मुझे रिसीव हुआ था मीडियम साइज में एंड बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग पैड्स ऑल थ्रू माय लाइफ टिल नाउ तो ये मैंने पहले यूज़ नहीं किया था दिस वाज यूज्ड बाय माय मॉम

दिज एक्चुअली आर अमेजिंग आप किसी भी एज ग्रुप के हो यू कैन यूज दिस कप इसमें लिखा है दैट इफ यू आर एटीन एंड बिलो एंड रेगुलर फ्लो यू कैन यूज द स्मॉल साइज इफ यू आर अबव एटीन विदग्युलर फ्लो यू कैन यूज दिस वन एंड मे और मे नॉट हैव गिवन बर्थ यू कैन यूज द मीडियम वन बट इफ़ यू आर अबव थर्टी ईयर्स ऑफ एज एंड विदी फ्लो यू हैव टू यूज द लार्जर कप तो नाउ ऑबियसली आई एम अबव एटीन बट फिर भी मुझे स्मॉल साइज uh, ही फिट आया था सो आई यूज़ द स्मॉल साइज तो आप अपने अकॉर्डिंग साइज यूज कर सकते हैं सो दिस कप्स वर सो 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 गुड तो स्टार्टिंग में जब मैंने ये फर्स्ट टाइम यूज़ किया था तो आई वॉज वेरी वेरी स्केट कि कहीं स्टेनिंग ना हो जाए देर इज लीकेज और समथिंग बिकॉज ऑब्वियसली इट वॉज माई फर्स्ट टाइम तो जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया था तो इसके साथ आई यूज़ दिस पैंटी लाइनर्स अगेन दिज आर फ्राम सीरोना नाओ uh, मैंने इसे इसलिए यूज़ किया था बिकॉज पैड्स वुड बी लार्जर और फिर पैड यूज़ करना पड़ता तो फिर दे वुड नॉट बी एनी सेंस ऑफ यूजिंग कप एज सच तो अगर कोई uh, थोड़ा बहुत लीकेज होता तो दिस वॉज होल्डेड एंड बट कोई भी लीकेज नहीं हुआ था स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट मुझे लगा था दिन में तो चलो फिर भी चल गया रात में स्टेनिंग का ज़्यादा इशू रहता है बट रात में तो इट वॉज इवन मोर कम्फर्टेबल दान द डे मुझे ऐसा लगा वेन आई एम लेइंग डाउन इट वॉज इवन मोर कम्फर्टेबल रा द टाइम्स वेन आई वो सिटिंग तो रात में तो दिस वॉज एब्सोल्यूटली मोस्ट कम्फर्टेबल थिंग देर वो यूज ड्यूरिंग माई पीरियड्स इन माई इंटायर लाइफ तो अगर आपने अभी तक मैं कप ट्राई नहीं किया है ट्रस्ट मी यू शुड एंड यू हैव टू वंस यू ट्राई इट देर इज नो गोइंग बैग सो ना हाउ यू यूज अ कप सो दिस एक छोटा सा इंटीमेट वॉश है तो आप इसे यूज कर सकते हैं इफ़ यू आई डोंग इंटीमेट वॉश और इस वाली पाउच में आता है ये कप तो ये स्मॉल साइज का कप है सो नाउ हाउ यू हैव टू यूज इट इज इसके पीछे वैसे तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपको मिलेगा बट आई टेल यू तो इसमें दो तीन टाइप के फोल्ड होते हैं यू कैन मेक इट लाइक दिस सी फोल्ड

तो ये काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल था और uh, मेरा फर्स्ट टाइम था बट स्टिल इट वॉज़ नॉट एट ऑल पेनफुल और डिफिकल्ट फॉर मी टू यूज़ अ कप बट जब हम इसको रिमूव करते हैं उस टाइम पे थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट रहता है सो ट्राई डूइंग इट केयरफुली बट वंस यू गेट यूज टू इट इट विल बी वेरी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू रादर देन यूजिंग ऑल दोज पैड्स एंड एवरीथिंग जो रैशेज का प्रॉब्लम होता है देन लीकेज का भी प्रॉब्लम होता है ऑल दैट विल बी कवर्ड इफ यू आर यूजिंग अ कप आई एब्सोल्यूटली लव आई थिंक मैंने काफी ज्यादा इसके बारे में बोल चुका है एंड यू नो दैट इट इज अ डेफिनेट येस फ्रॉम माय साइड इफ यू हैव नॉट स्विच टू अ मेंस्ट्रुअल कप येट यू शुड नाउ बिकॉज इट इज इवन एनवायरमेंट फ्रेंडली और ये आपको काफ़ी लॉन्ग लास्ट भी करेगा आपके पैसे भी बचेंगे पैड नहीं बार बार खरीदना पड़ेगा एंड इट इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट सो दैट वॉज दैट द सेकेंड प्रोडक्ट एज ए सेट वीज पैंटी लाइनर्स सो यू कैन यूज देम ऑन योर पीरियड्स विद द कप सो दैट इन केस देयर इज अ स्लाइट बिट ऑफ लीकेज सो दैट विल बी कवर्ड और इनको आप नॉर्मल डेज में भी यूज कर सकते हो इफ़ देयर इज अ वाइट डिस्चार्ज Uh, you can use this, and even if you are going to the gyms or yoga, wearing those tight pants and there is a camel toe problem, so that is also covered uh, with this panty liner. So, these are also really good. You can try them out. So, the next product that I received is this anti shaffing rash cream. Now, this comes in a tub and it also has a safety lid, and then this is what the cream.

मैंने इसे यूज़ नहीं किया है बिकॉज uh, इस बार मुझे रिसीव हुआ था एंड आई यूज कप्स एंड देर वॉज नो रैशेज वट्स एवर तो मुझे ये यूज़ करने की नीड ही नहीं पड़ी है सो बट इफ़ यू गेट दोज रैशेज यू कैन ट्राई दिस आउट एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो इफ यू हैव एंड इट वर्कड बट आई हैव नॉट ट्राइड दिस सो आई कैन नॉट स्पीक फॉर दिस सो टू प्रोडक्ट्स डाउन थ्री मोर टू गो वेट फॉर द लास्ट प्रोडक्ट दैट वन इज द बेस्ट So, the third product that I received was the Serona Hygiene Menstrual Cup Wash. It is just like a normal hand wash or a dish wash, uh, just that it is for your menstrual cups. And it is also really, really good and hygienic. So, you can wash your cup every time with this before reinserting it. And uh, at the end of your period cycle, you can wash your cup with this and then sterilize it with either a menstrual cup sterilizer. और आप उसको बॉइलिंग वाटर में भी डाल सकते हैं टू स्टेरलाइज इट सो दिस वॉज ऑल्सो रियली गुड एंड इट केम इन हैंडी सो द फोर्थ प्रोडक्ट दैट आई रिसीव दिस सीरोना फेमिनिन पेन रिलीफ पैचे नाउ दिस केम दिस पैकेट केम विद फाइव स्ट्रिप्स एंड आई थिंक वी हैव या थ्री लेफ्ट बिकॉज टू माई मॉम यूज दैम लास्ट मंथ तो ये ऐसे स्ट्रिप्स आती हैं ठीक है थीके? ये ऐसे लॉन्ग स्ट्रिप है नाउ वॉट यू हैव टू डू इज इसके पीछे ऐसे तीन सेक्शंस में ये लाइनिंग लगी है यू हैव टू रिमूव इट फ्रॉम ऑल द थ्री साइड्स एंड यू हैव टू टेस्ट इट ऑन द एरिया जहां पे भी आपको पेन हो रहा है तो मोस्टली ड्यूरिंग द पीरियड्स हमें क्रैम्प होते हैं इन आर लोअर एबडामन एंड ऑल्सो सम ऑफ द लेडीज सफ़र फ्राम बैक एक कमर में भी दर्द होता है तो यू कैन स्टिक दिस आदर ऑन योर लोअर एबडामन और योर बैक और इससे आपका पेन रिलीव हो जाएगा इसको मैंने तो पर्सनली यूज़ नहीं किया था मेरी मोम ने यूज़ किया था एंड शी एक्चुअली लाइक डिट इसकी स्मेल वैसी है जैसे मूव एंड ऑल जो पेन रिलीव स्प्रेज होते हैं वैसी इसकी स्मेल है एंड इट प्रोवाइड्स यू अर वेरी कूलिंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन और इससे आपका पेन रिलीफ एक्चुअली हो जाता है माई मॉम इट एंड शी एक्चुअली वर्क एंड नाउ कमिंग टू लास्ट प्रोडक्ट फॉर अबाउट इट इन द आई बटन चेक दैट आउट सो इट इज सिरोना पेन रिलीफ हीट पैच अब जो वो पिछला वाला था, दोस वर पेन रिलीफ पैचेज एंड दीज आर हीट पैचेस ये आता है थ्री के पैक में इसके अंदर थ्री हैं। तो तो जब भी मैंने इसको इसको था, था मुझे लग नहीं रहा आपको तो आपको क्या करना करना होता होता है, है, और उसको अपने पे उस एरिया में जो आपके पेट पे टच होता है एंड देन अदर साइड विल टच योर लोअर एब्डोमेन इट इज एयर एक्टिवेटेड तो जैसे जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है इट स्टार्ट्स हीटिंग अप इतना ज्यादा हीट नहीं होता है कि आपको जल जाए और इतना कम भी हीट नहीं होता है कि कुछ पता ही ना चले हॉट वाटर बैग्स हम यूज करते हैं अपने पीरियड क्रांप्स को रिलीव करने के लिए इट वर्क सिमिलर टू दैट बस ये मोर पोर्टेबल है अब आप हॉट वाटर बैग तो हर जगह लेके नहीं घूमोगे इसको आपने एक बार स्टिक कर लिया तो यू कैन गो आउट एंड डू वट लिटरली यू कैन डू वट एवर एंड यू विल नॉट इवन फील एनी थिंग क्योंकि ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है एकदम सीमलेसली स्टिक हो जाता है एंड इट कीप्स ऑन हीटिंग फॉर एट आवर्स इसमें लिखा हुआ है कि एट आवर्स से ज़्यादा यूज ना करें तो मैंने एट आवर्स में रिमूव कर दिया था एंड इट वॉज सो गुड सो सो गुड इन रिलीविंग माई पीरियड क्राम्स कि मैंने इसको यूज़ किया था लास्ट मंथ एंड आई एक्चुअली डिड नॉट टेक अ पेन किलर मैंने इस महीने कोई पेन किलर ही नहीं लिया एंड दिस इज वन लाइक वन इन अ लाइफ टाइम थिंग दैट आई डिड बहुत कम बार ऐसा हुआ है दैट मेरे पीरियड्स चल गए हों बिना पेन किलर के एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट और मैं इसको ऑलरेडी तीन चार पैक्स और खरीद चुकी हूँ आई हैव है बैकअप्स फॉर दिस बिकॉज ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आपको जो भी इसमें से पसंद हो आप यू कैन बाय इट इसे तो मेरे कहने पे ट्राई कर ही लेना बट या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो आई लेट द वीडियो राइट हियर इट आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड प्लीज कंसिडर हिटिंग द लाइक बटन और मुझे कमेंट में बताओ कि आपने प्रोडक्ट यूज किए हैं और आपका फेवरेट कौन सा प्रोडक्ट है एंड इफ यू वांट मी टू डू एनी अदर वीडियो और एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव रिगार्डिंग एनीथिंग इन दिस वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड आल्सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट प्लीज कर दो इतनी गर्मी में मैं वीडियो बना रही हूँ एसी पंखा कुछ नहीं चला आई एम स्वेटिंग लाइक अ पिग प्लीज हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट टू इट सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड न्यू वीडियो एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो मी देर एज वेल नाउ आई विल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय